अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तरीन सैगल है। आई वॉज मैरिड टू मियाँ जावेद सैगल फॉर 20 ईयर्स। मैंने प्रीवियस वीडियो और एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मैसेज प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस को दिया था एक महीना पहले। ना प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड किया, ना चीफ जस्टिस ने। प्राइम मिनिस्टर के घर मैंने भेजा ये सारा केस, उसके पोर्टल पर लगाया, प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टल जो वो बड़ा प्रमोट करते हैं, सिटीज़न पोर्टल पर लगाया, कोर कमांडर को दिया, बिकॉज द हाउस, माय हाउस इज़ इन द कंटोनमेंट। यू नो, ये सारे लोग बोले और बहरे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल ही बोला बहरा है, 22 करोड़ आवाम की नहीं सुनता, तो मेरा ख्याल है मेरी भी नहीं वो सुनेगा कभी। अगर मैं आज बाइडन को ख़त लिखूं, तो बाइडन तो वाइट हाउस से मुझे एक ख़त आ जाएगा कि मिसेस तरीन थैंक यू फॉर योर लेटर। ये मुल्क किस तरह का है, लोग प्राइम मिनिस्टर कहता है जी मैंने इंसाफ करना, मेरी पार्टी का नाम है तरीके इंसाफ, अब ये इंसाफ हो रहा है मेरे से? मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दी उसने कि तरीन यस वी विल लुक इन टू द मैटर and you I have known personally, so therefore it matters what happens to you and what Naseem does and what Mansha does. Now I am going to request our chief of army staff General Bajwa, maybe he can listen to this video which I will send him, and I have sent the precise papers to his office. This is ridiculous. Prime Minister bora ho gaya, behra ho gaya, bola to hai hi tha shuru mein, because he could never hear anything correctly jo hum unse baatein karte the, aur ab behra bhi ho gaya, so double isne ab andha kab hoga wo dekhte hain. No, I'm very angry because isne 3 mahine ho gaye hain aur 2 saal apni portals chalayi hui hain. आई एम एन ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं उधर भी गई हूँ, पर कुछ नहीं। ये मुल्क ही इस तरह, इसने ये रोज़ जलास बुला लेता अपना और बैठ जाता टेबल पर, क्या करते हो उधर? एक मुझे आपने एक ख़त नहीं गुजारिश की कि मैं एक ख़त उसको लिख दूँ कि भी आपका केस मेरे पास आया, वी विल लुक इन टू द मैटर। आप मियाँ मंशा से डरते हैं? FIA ने उस पर इतने केसेस खोले अभी रिसेंटली। मियां नसीम से डरते? मियां मंशा के जेट, होटल्स, टेक्सटाइल्स, आप यू नेम इट, एंड इतना अमीर आदमी है और मेरे घर पर कब्जा करके बैठा हुआ। AC की रिपोर्ट हमने करवाई है, उस पर लिखा हुआ है पेल गार्ड्स आर सिटिंग देयर। इनका कोई राइट नहीं बनता। अब मैं क्या आप लोगों को कहूं कि भई ये इस मुल्क में हम रह रहे हैं और ये ट्रीटमेंट तरीके इंसाफ कर रही है? बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी एडमेंट इन हिज स्पीचेस कि मैं कब्जा ग्रुप नहीं होने दूंगा, मैं गरीबों का हक नहीं मारूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। आप एक औरत बेवा का हक मार रहे, इन मंशा को नहीं कह रहे कि भई मंशा गिव हर द हाउस बैक, इफ़ द पेपर वर्क इज़ इन ऑर्डर व्हाट आर यू डूइंग देयर। नसीम सैगल को आप फ़ोन करें, एक कॉल आपकी जाए कि नसीम आपका इस घर पर कोई हक नहीं है, तो आप देखें तो मेरा घर मुझे वापस आ जाएगा ना। ये वीडियो में मैंने पीपल ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है, उनसे गुजारिश है कि इस ये जो कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशन, जुडिशरी, लोगों के इंडस्ट्रियलिस्ट के जेब में जा रहे हैं जैसे मियां मंशा कहता है, उनको मैं बेग कर रही हूँ, उनसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप आवाज़ दें, आप मेरे साथ खड़े हों, इन लोगों का हम कुछ करें जो इस तरह की अनफेयरनेस। देखो मुझे 2 कपड़ों में इन्होंने घर से निकाल दिया था, मैंने आपको बताया इस बात का, और कोई इसका एक्शन नहीं हुआ और ना होगा। मुझे तो अब इस मुल्क से कोई उम्मीद नहीं रहेगी, बंदा उम्मीद पर जीता है। मैं उम्मीद पर 14 साल लड़ती रही, केस कहीं गया नहीं, प्राइम मिनिस्टर बोला नहीं।
चीफ जस्टिस बोला नहीं, उसके दफ्तर पर यह फाइल गई है, सारे जो गिफ्ट डीड थी, दीज पीपल पेपर्स आर लीगल, ये लीगल पेपर्स हैं, ये मैंने नहीं बनाए। ये आज तक 14 साल से ये उनको नहीं कह सके कि आपने कोई गलत काम किया या ये स्टेटमेंट जावेद की नहीं थी, ये और इनका तो राइट है ही नहीं उस घर पर। सो जनरल बाजवा, माय लास्ट होप इज़ विद यू, आई होप यू कैन हेल्प मी एंड डू जस्टिस टू दिस प्रॉब्लम। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड God be with you. Thank you.